हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। मिर्जापुर जिले के जीडी बिनानी छात्र संघ का वार्षिक समारोह कार्यक्रम गुरुवार को बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। यहां के छात्र एवं छात्राओं ने स्टेज शो करके नृत्य कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मिर्जापुर के पूर्व समाजवादी पार्टी के सांसद बाल कुमार पटेल की उपस्थिति रही थी। इस उपस्थिति ने जिले के राजनीतिक गलियारों में न सिर्फ बाल कुमार पटेल की सक्रियता का एहसास कराया, बल्कि 2019 के लोकसभा चुनाव के समीकरण को भी राजनीतिक पंडितों के द्वारा घटाया बढ़ाया जाने लगा। वहीं विधान परिषद सदस्य वृक्ष सिंह यादव ने भी बतौर मुख्य अतिथि छात्र छात्राओं को संबोधित किया। मिर्जापुर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आशीष यादव के भाषण के नए अंदाज को लोगों ने काफी सराहा। कॉलेज परिसर के स्टेज पर आशीष यादव का उत्साहित तथा ऊर्जावान भाषण लोगों में जोश भर गया। मंच पर शिवशंकर यादव, गुलाब चंद यादव, रोहित शुक्ला, परवीज खान तथा विद्यालय के प्राचार्य राजीव अग्रवाल भी मौजूद रहे थे। कार्यक्रम के दौरान कुछ छात्र छात्राओं को बाल कुमार पटेल तथा रामवृक्ष यादव के द्वारा पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के संयोजक में छात्र संगठन की सक्रिय भूमिका रही, जिसमें मुख्य रूप से विकास सोनकर, पूनम भारती, अनिल कुमार पाल, कृष्ण बिहारी तथा अजय सोनकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। केबी डिग्री कॉलेज के छात्र संघ तथा जीडी बियानी कॉलेज में हुए छात्र संघ के वार्षिक समारोह में जनपद में राजनीतिक धुरंधरों के द्वारा छात्रों के मंच का जमकर प्रयोग किए जाने की वजह से जनपद में जबरदस्त चर्चा है तथा जीडी बियानी के छात्र संघ वार्षिक समारोह में बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन की झलक भी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। मिर्जापुर से संदीप सिंह की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।